कन्वर्ट करना नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है ये ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन करवाया गया है आप ये टेबल देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो आर जनरेशन हैं कंप्यूटर की उसके मेन मेन करेक्टर को जो है वो मेन उसकी क्या पार्ट्स को जो है वो डिस्कस किया गया है तो प्री कंप्यूटर्स एंड अर्ली कंप्यूटर्स बिफोर 1947 45 आप इसमें देख सकते हैं कि अबैकस को यूज़ किया जाता था स्लाइड रूल थे मैकेनिकल कैलकुलेटर पंच कार्ड वगैरह यूज़ किए जाते थे उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन को 1946 से लेके 57 तक इसके ऊपर वर्किंग हुई इसको यूज़ किया गया तो यहाँ पर क्या था वैक्यूम ट्यूब्स वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको वर्किंग करते थे और इसके थ्रू क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती थी उसके बाद सेकंड जनरेशन आई 1958 फिफ्टी एट टू नाइनटीन इसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया इस कंप्यूटर को कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेसन के स्माल साइज़ में कन्वर्ट किया गया मोर पावरफुल चीपर मोर एफिशेंट एंड मोर रिलायबल था रिलायबल मीन आप के लिए वो डिवाइस जो है वो काबिल इतबार हो जाती है कि इसको अगर हमको टास्क देंगे तो वो प्रॉपर इसको परफॉर्म करेगा नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन 1964 टू 1970 इसके अंदर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया कीबोर्ड एंड मोनीटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया फ़ोर्थ जो हमारे पास 1971 सेवेंटी वन टू प्रेजेंट है उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया गया एप्पल मैकन टॉच आई बी एम पी सी की बोर्ड माउस मोनीटर प्रिंटर एंड सोन जितनी भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं सबको इंट्रोड्यूस मोस्टली करवाया गया उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है जो रिसेंटली हम चलते हैं और इसके ऊपर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ये ज़्यादा फास्ट हो इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एड हो या डिसीजन मेकिंग हो तो वो सारी चीज़ें जो है फिफ्थ जनरेशन के अंदर इसको ऐड की जाती हैं उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन की थ्रू डायग्राम डिस्क्रिप्शन है तो फर्स्ट जनरेशन के आप लुक देख सकते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के लुक देख सकते हैं थर्ड जनरेशन में देखें आप मॉनिटर और कीबोर्ड इंट्रोड्यूस हो गया फोर्थ के अंदर आप देखें कि उस उसको और ज़्यादा छवें में परफॉर्म किया गया फिफ्थ में आप देखते हैं कि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपके पास अवेलेबल है और यहाँ पर हम डिवाइसेस को देखते हैं कि डिवाइसेस के साइज़ को शॉर्ट किया जा रहा है और उसकी प्रोसेसिंग जो है और बाकी जो उसकी रिलायबिलिटी है उसको ज़्यादा किया जा रहा है